यार मेरी गल सुनो, इज्जत खराब कर मैं डायरेक्ट जाके निकाह भी कर सकता सी, ठीक है हुण मैं घर रह के दी हो ते दी निकाह दी तेरे की मैं है तू निकाह मैं पूछा तन्नू मैं निकाह मैं अभी पूछ लेनी है मैं अभी मैं बना आख्या सी बैठे ही हो यार थोड़ा साथ हो इस साइड पे हो इधर बैठो ना क्या हो गया शर्मा क्यों रही हो तू जेड़ा सानू आजकल जलील कीते है ना असी भी उन तरीके सोच रहे हैं तुम दलील कर मैंने दलील की है इनको बताओ बोलो जानना करते वो आप कंफ्यूज है कहने जिम अस्सलाम वालेकुम जी कैसे हैं सारे ठीक ठाक हैं मजे में हैं बेहतरीन हैं वेलकम करते हैं आपका ब्रांड न्यू व्लॉग में हां जी क्या हाल चाल है सबके एदा की हाल किते है इधर कुछ भी नहीं खड़े हो क्या किया मैं एंजॉय कर रही है उर्वादी आप सुनाओ क्या हाल है ठीक है जी अच्छा जी मैंने आप लोगों से एक बात करनी थी मैं आज करने वाला था अपनी सारी फैमिली के साथ फेक मैरिज प्रैंक लेकिन फिर मुझे जुल्कर नैन ने एक आइडिया दिया कहता भाई और फेक मैरिज प्रैंक में जो मैंने दुल्हन बनाकर लानी थी ना वो लेकर आना था मोटू भाई को लेकिन फिर जुल्कर नैन ने मुझे बोला कि भाई इससे तुझे बेटर प्रैंक बताता हूँ और वो प्रैंक क्या है बाकी सारी फैमिली के साथ मैं प्रैंक कर लूंगा मैंने इसको बोला था कि मैं और तू इकट्ठे हो जाएंगे ताकि मेरे साथ एक बंदा हो ताकि मुझे कुछ चीजों में सपोर्ट हो जाए हाँ बिल्कुल मैंने कहा चल कोई मसला नहीं मैं तेरे साथ हो जाऊंगा लेकिन मैं तुझे इससे बेहतर प्रैंक रिकमेंड करता हूँ तू वो कर इसने कहा क्या मैंने कहा बात सुन तू ना मोटू भाई को दुल्हन बनाकर घर तो ले आएगा और फैमिली सारी का रिएक्शन तो ले लेगा और उस रिएक्शन का तुझे पता भी है कि तुझे शायद गोली भी बजबूझ सकती उस रिएक्शन का जो एक्शन है ना वो बहुत डर है वो बहुत डर है और गोली मारने वाली दांत होगी डैडी का कि ये सख्ती में ना बहुत ही ऊपर चले जाते हैं अच्छा जी खैर मैंने फिर इसे कहा कि तू हमारे साथ प्रैंक करने की जगह ना मोटू भाई के साथ ही उल्टा प्रैंक कर दे मतलब ये ना मोटू भाई को कहेगा कि मेरी फैमिली को नहीं पता और ये और मोटू भाई दोनों मिलकर हमें ही प्रैंक करने आ रहे होंगे लेकिन तूने मोटू भाई को बिल्कुल नहीं बताना अच्छा मोटू भाई को बिल्कुल नहीं पता उसके लिए ये रियल प्रैंक है हाँ। मतलब मैं और वो आ रहे हैं और मैंने घर आके ये बताना है कि जी सबको कि मैं जी ऐसे लड़की भगा के ले आया हूँ ठीक है और वो एक तरह का वो ड्रामा सारा प्रैंक होगा उसके लिए वो रियल होगा हाँ उसके लिए ये रियल होगा लेकिन मेरी फैमिली में सबको पता होगा जी कि ये प्रैंक किसके साथ हो रहा है मोटू भाई के साथ और हम क्या कुछ नहीं कहेंगे हम उसे चित्तर मारेंगे तुझे कुछ मोटू भाई को पुराने बदले लाए मोटू भाई को मार मार के ना वो जितना मोटा है ना उससे ज्यादा मोटा कर दूंगा बस उसको जा लेकर आ जल्दी जल्दी अबू मेरी गल सुनो तुसी फुल सख्त रवैया कर लेना अज मोटू भाई दे नाल ठीक है दफा छोड़ दे बयान भी कराने दफा छोड़ के बयान नहीं करवाने आपने वैसे ही उसको दफा कर दिया चलो ठीक है अभी मैं उसको किसी नु कट दे ना तो दफा छोड़ दे बयान पहला कराई देने क्यों कल नु जो अपने मां प्यो दे जांदी है ना कहंदी मन ते पग लग गया सी ठीक है हां अभी मैं क्या करूंगा अम्मी से बुरखा वगैरह लूंगा एक मेरा दिल है बुरखे में कहने क्योंकि बुरखा अगर उसको पहनाऊंगा तो उसको भी पता होगा कि भाई फैमिली को कोई नहीं पता है बुरखे वाला बेटर आइडिया रहेगा ना तंबू वाला मोटू भाई तेरा पिंडा तंबू वाला हो गया मैं तेन सवेरे भी कह रहा सी लेकिन बुरखा लेके जाऊंगा उसको रेडी शेडी करके फुल उसको छपड़ी औरत बना के फिर लेके आऊंगा ठीक है अब मैं जाता हूँ लेके आता हूँ जब मैं आऊंगा ना मेरी बात सुनो जब मैं उसको ले आऊंगा ना मैं उसको बाहर गाड़ी में बिठाऊंगा और मैं इधर कैमरा शैमरा सारा सेट करके आप लोगों को बता दूंगा मैंने उधर दरवाजे से लेके जब उसको इधर आ जाना ना बस फिर तुसी जड़ियां ने ना अपने जो छितर ने ना तेज कर ठीक है मोटू भाई आज दिन ना बड़ी भैड़ी होने और मोटू भाई मुझे पता तू अभी व्लॉग देख रहा होगा उसके लिए भाई बड़ी 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 माजरत तेरा भाई तेरे से बहुत प्यार करता है लेकिन प्रैंक के चक्कर दे विच ब्रो तूने मुझे आइडिया दिया था कि भाई फेक मैरी प्रैंक कर घर वालों से लेकिन जब प्रैंक की बात आती है तो भाई सब कुछ चलता है आज मेरी नहीं तेरी शामत आने लगी केड़ियां गल्लां हो रहियां ने मां ते पुत्र दियां बह के मेरियां चुगलियां ते नहीं कर रहे मैं तुहानू दस दियां कोई नवां तरीका मैनू जलील करन दिया तू जेड़ा सानू अजकल जलील कीते है ना ते असी भी हुण तरीके सोच रहे तुहानू जलील करन मैंने दलील की है इनको बताओ बोलो
आप कंफ्यूज है, कहने जिम। अच्छा जी, बड़े मजे की खबर लेके आया हूँ। मोटू भाई ने मुझे आइडिया दिया था, खाली मोटू भाई का आइडिया नहीं, आवाम भी कमेंट कर रही थी कि भाईजान फेक मैरिज प्रैंक। उन्होंने कहा तुम्हारी रियल जिते होनी नहीं है, तुसी फेक वाले ही करके वेख लो। मोटू भाई ने मुझे दिया था आइडिया कि भाई फेक मैरिज प्रैंक करते हैं, और उसमें दुल्हन उसने बोला था कि मैं बनूंगा। ठीक है, दुल्हन बनने को भी रेडी है, फुल कुर्बानी दे रहा था, कहता भाई आवाम की डिमांड है, आवाम बड़ा पसंद करेगी, बड़ा मजा आएगा। फेक प्रैंक ते तू करना सी घर दे ना। हां जी, अच्छा उसने मुझे आइडिया दिया ना, पहले मैं मान गया, फिर मैं सोचा, मैं कहा मेरी जिड्डी सख्त फैमिली है ना, मैं कहा मेरे अब्बा जी ने ते फेर मार के मनु घरों बाहर कढ़ देना है। लेकिन आज मैंने जब जुल्कनैन से शेयर किया ना, जुल्कनैन ने मुझे आइडिया दिया कि भाई ये नहीं, ये कर ले। आप लोगों को मैंने ये बताया कि मैं लड़की बखा के लेके आ रहा हूँ, आप लोगों की इजाजत के बगैर मुझे शादी नहीं थी करनी, इसलिए मैं ले आया हूँ। अब आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों को तो पता है कि वो मोटू भाई है, ठीक है, वो कोई लड़की नहीं है। आप लोगों ने जब हम लोगों ने आ जाना है ना, आप लोगों ने जलील करना है। उस्ताद जी अपनी छुरियां तेज कर लो। आवाम काफी देर से कमेंट्स कर रही थी कि मैरिज प्रैंक आज मैरिज प्रैंक होगा, लेकिन मोटू भाई के साथ बहुत बुरी होने वाली है। अम्मा जी तुसी भी छुरियां तेज कर लेनी है अपनी, निकाल साहब आपने भी तेज कर लेनी है। हाँ मोटू भाई को ये है कि मैं और वो मिलके आप सब लोगों से प्रैंक करने वाले हैं, लेकिन डीप डाउन आप लोगों को पता है कि मोटू भाई के साथ प्रैंक होना है। छुरियां तेज कर लो, मैं चलना। मोटू भाई मैं तेनू फिर कहना पया, वो तेरी आज खैर नहीं है। तेरी आज खैर नहीं है, मैंने भाई तेरे लिए इसीलिए तेरे से इसीलिए पहले से सॉरी कर लिया, क्योंकि आज तेरी खैर नहीं है। तू नु कह बेटा जी आज जो कड़चियां डोइयां चम्मच ते चल जानी है, अम्मी ने कर लिया अपना किचन का सामान। मैं गाड़ी लेके निकल पड़ा हूँ, अभी सीधा जाऊंगा मोटू भाई के पास, और बाकी जाके ना मोटू भाई को कपड़े शपड़े पहना के फुल लेडी शेडी करके आपको दिखाता हूँ। मोटू भाई क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र है, आप ठीक है? ठीक है भाई, यार अल्लाह का शुक्र है। आज आपके दिए गए तबीयत यार ठीक है यार, सारा दिन में बहुत बीमार, जोर ना ला फिर बीमार हो जाएगा, जरा ठंडा रहे। ठीक है भाई जान। अच्छा भाई जान, आज आपने जो मुझे आइडिया दिया था फेक मैरिज प्रैंक वाला, अच्छा उसको मैंने थोड़ा सा मॉडिफाई मैंने ये किया है, मैंने तुझे घर ले जाना है, ठीक है, मैंने जाके ये बोलना है कि भाई मैं कुड़ी इंसान है। यार सोच के ही घटिया लग रहा है यार, मैंने लेकिन बाबा तूने आइडिया बड़ा कमाल दिया है मुझे, लेकिन स्टिल मैंने तुझे बताया मुझे एक चीज का बड़ा डर है भाई, छेतरना पै जाने तेनों पता है मेरे अब्बा जी का। मैं तेनों दसन लगा कमेंट बड़े थले आए सन के भाई मैरिज प्रैंक करे तो वास्ते मैं मेरा दिल होना चाहिए यार, ऑडियंस ने आख्या तेरा होना चाहिए, ऑडियंस ने आख्या वो तो होना चाहिए, लेकिन गल है वे काफ तो मैं लिया, लेकिन मैं डर है कि तेरे अब्बा जी कल मैं सट्टा ना पै जा, गोली ना पै जा, तू भी निकल तेनू भी ला जा, जी तू बीबी ला गए नकाब करेंगे जी, बुरखा शुरखा तो आपने पहन लिया है कम टैड, लेकिन यार ये क्या करेंगे की करना है, मैं समझ नहीं आ रही है, ऊपर से ये भी उतारी कहना है सलमान खान जैसी माहौल है। देख तो सही भाई, अबे यार तू तो पहले से ही बड़ा फनी लग रहा है, पता क्या कर, चुप कर यार मेरी बात सुन, मैं भी लेके आया वो ये वाला, ये पेन ये ट्राई कर, ये वाला मुझे लग रहा है तुझे पूरा होगा, और ये खुला हुआ है, और ये खुला खुला है, ये वाला ट्राई कर यार, बाजुआ का रोला है भी खुला, एडवोकेट लुबन है ऐसा तू रे रिपोर्ट, ओ देखी मसला पता की है, वो ना खुला खुला है, ओ बाजू खुले ने बनी है, सही है ये वाला पहन के देख तू, ए ठीक है, देख क्या मैंने बोला था ब्रो, आए आए यार मन से तेन वे की हसी यार, अबे हाथ कौन सा दिखाने हैं, हाथ तो छुपा के रखे, किथे छुपा दे, जेबा भी नहीं है, ऐसे कर लिया ठीक है, चल इसको बंद कर, ये ठीक है, ठीक है। ये देख नहीं, अबे तू तो पूरा भाई इंग्लिश कुड़ी लग रही है भाई, वो सब पर देखा है।
ਬੜੀ ਕਰਪਟ ਹੋ ਰਹੀ ਤੇ ਲੱਭੇ ਦੀ ਦੁਲਹਨ ਸਾਡੀ ਫੁੱਲ ਰੈਡੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਦੇਖੋ ਤੇ ਦੁਮਤਨਾਣਾ ਦੁਲਹਨ ਦੇ ਰਿਵੇ हम लोगों को टेंशन हो रही थी कि मुंह कैसे कवर करें, लेकिन अखाना मार रहा मैं यार पूरी पूरी लड़की लग रहा है भाई। घर दिया मेरा ने कहा ना वो मरने अपनी सेहत वेह ते कितों चुप लिया जे मैं कहना इन्हू ता लिया मैं तराह रखा करी चल भाई चल निकले अब आ जा। घर पहुंच आए हैं जी हम लोग। मोटू भाई को लग रही थी गर्मी, इसलिए मोटू भाई ने अपना बुरखे वाला सामान और अपना मास्क शास उतार के रख दिया है। मोटू भाई आर यू रेडी? जी भाई रेडी। अब मैं अंदर जा रहा हूँ, मैं जाके कैमरा पे तो जिम्मेदार मैं तो दा तेरे ना मन्नू भी पहननी है टेंशन ना ले, तन्नु कलर नु नहीं पहननी है। मैं अंदर जा रहा हूँ, मैं जाके कैमरा शैमरा सेट कर दूं, जब सारा सीन सेट हो जाएगा मैंने तो जाके ले जाना। जी ठीक है मेरी दुल्हन, डन करो। ठीक लव यू, आई लव यू टू। शॉपिंग करोगी ना कल? ओ ना सोए, इन तो कोई मजाक नहीं। हां जी हेलो हेलो हेलो, वो आ गया। उसको फुल बुरखा शुरखा पहना के ले आया हूँ मैं, सारा ले आया हूँ। वहाँ पे मैं कैमरा सेट कर देना, ठीक है? उसको भी नजर आएगा। अब मैं उधर कैमरा सेट करके जा रहा हूँ उसको लेने। कैमरा जी इधर सेट हो गया, सारे इधर बैठे हुए हैं। मोटू भाई को जी मैं यही बोल के आया था, मैं क्या सारे आगे पीछे होंगे, मैं कैमरा सेट कर आऊँगा। अभी ये लोग सारे बैठे हैं, मैं जाके मोटू भाई को लेके आता हूँ। भाई का कैमरा मेरे साथ निकाज में है, क्योंकि मैंने निकाज में पकड़ो, क्योंकि मैंने निकाश भाई को बता दिया था, क्योंकि एक बंदा मुझे चाहिए था जो मेरे साथ हो। तो भाई जान अपनी दुल्हन रेडी है। ओए इत्शाम रुक, थोड़ा थल्ले कर ला। आओ वही लगता है कब्र च चली। अल्लाह की कसम मैं बहुत डरा पाऊँ, और एक हेजिटेशन होती है ना वो, अब मैं सोच रहा हूँ अंदर जाऊँगा। ओए तू ओए कलियां करया कर रंग यार वड्डा भरा आंदा कोई फर्ज भी निभा दे, पानी पिला दे। बताता हूँ कौन है, क्या हो गया? अम्मी लोग किधर हैं? रूम में हैं। मेरा सारे लोग, मेरा खुद का हाथ नहीं रुक रहा। क्या तुम मेरे कौन है लड़ी है? क्या हो गया? इंजन किस बात की है? और ले आ पानी यार दुल्हन है भाई, एक दफा तुझे काम बोला है तो। कौन है? जूस पिलाओ ना, जूस पिलाओ। तुम पानी लेके आ रहे हो सादा? नहीं कह रही है मैं ही पीना है। तो क्या अम्मी अब्बू को ब्लॉक कर देता हूं। अरे दुल्हन बात तो सुनो, आंटी तुसी बना दी यार, वो आंटी है यार।
शादी शुदी का रोकथाम नहीं है ठीक है पता नहीं चंद चढ़ के आया जे लेकिन मैं एक गल सुन मैं अम्मी पता है की गल अम्मी गाला जादू कराया जी ने सीधी गल नहीं उन्हें कराया तू कितो कराया मेरी तो गल सुन लो मैं कुत्ता भौंक रहा हां तू है कुत्ता है अम्मी तुसी बैठो मैं है ना अपना ब्लड प्रेशर हाई करो चल चल दोनों निकल।
तू मेरे ब्रैक कर रहा ना तेरे सारे दस के रेडी करके गया बड़ी हाथी आई है निकाज ने बूट मारे बच्चा कहना अपनी निशानी बेचारा अभी देखी कैसे घूम रहा हफ गया थैंक यू सो मच जी तुसी बहुत उंज हसे हो मैं अपनी आंखों से देख रहा था एक दो तीन कमल कंट्रोल किया वा था सा अम्मी अम्मी ते ओ ते एक बारी कान जी बजे ने जाके क्या हाल हुआ कैसा लगा भाई मतलब पानी पिला यार यकीन मान बड़े ये पानी मैं पीता हूँ मेरे से नहीं देखा गया गलत गल है यार बड़ी गलत गल मेरी गल सुन रात जुतिया पवाइया कोई गल नहीं कोई गल नहीं तू चंगी नहीं कीती मेरे ना यार लेकिन यार बहुत बहुत पानी पी लैंदे हफ गए बुरा हाल हो गया फोन फड़ लिया भरावा फोन फड़ लिया भरावा यार बहुत 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 स्वाद है बहुत हंसे हैं मोटू भाई यार आपके साथ इतना बड़ा प्रैंक कर दिया आज मेरी सॉरी मेरी जान आई एम वेरी सॉरी यार नहीं अच्छा एक चीज बता मुझे बस एक चीज बता दे तुझे क्या फील हो रहा था जब वो सारा कुछ चल रहा था फील
ਸਮਝੋ ਅਫੀਲ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆ ਰਹੀ ਕੋਈ ਇੰਜ ਪੈ ਰਹੀ ਸੀ ਕੋਈ ਇੰਜ ਪੈ ਰਹੀ ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਬੜੀਆਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਬਚਾਈਆਂ ਰੋ ਮਾਰਦੇ ਸੀ ਨਾ ਮੈਂ ਇੰਜ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਮੋਟੂ ਭਾਈ ਨਾ ਵੱਜਣਾ ਚਾਹੇ ਤੇਰਾ ਵਿੱਚ ਨੂੰ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉੱਠ ਕੇ ਦੱਸ ਦਿਆਂ ਮੈਂ ਕੌਣ ਹਾਂ ਉੱਠ ਕੇ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕੀਤਾ ਜਿੱਲੋ ਆ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਸੱਟਾਂ ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਉੱਥੇ ਇਹ ਜੁੱਤੀਆਂ ਪਵਾ ਕੇ ਲੈ ਆਇਆ ਪਿਆਰ ਕਰਕੇ ਵੀ ਬੜਾ ਸੌਰੀ ਯਾਰ ਮਜ਼ਾਕ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਸੀ ਕੀਤਾ ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ ਔਰ ਅਗਰ ਆਪਕੋ ਵੀ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ ਹੈ ਇਸ ਵਲੋਗ ਕਾ ਨੀਚੇ ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਮੈਂ ਆਪਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਬਤਾਨਾ ਕਿ ਆਪਨੇ ਇਹ ਪ੍ਰੈਂਕ ਇੰਜੋਏ ਕੀਆ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਆ ਤੋ ਯੇ ਥਾ ਆਜ ਕਾ ਵਲੋਗ ਉਮੀਦ ਕਰਤਾ ਹੂੰ ਆਪਕੋ ਵਲੋਗ ਬੜਾ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਅਗਰ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਤੋ ਵੀਡੀਓ ਕੋ ਲਾਈਕ ਕਰਦੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਡੂ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਮੇਰਾ ਚੈਨਲ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲੱਭਣੀ ਉਹ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣੀ ਆਪਣਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੇ ਕੱਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰੇਂਗੇ ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼